सॉरी बोलो जाओयू। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे जैसे लो क्वालिटी वर्कर जो 5-स्टार होटल में काम करती है, मुझे डर है कि दोबारा हुआ तो इस होटल की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। क्यों मिस मा? बिल्कुल। अब थोड़ा ज्यादा। चलो यहाँ से अभी। मिस मा, मुझे अब सब समझ में आ गया है कि यूकी बाई अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, और साथ में ये पेंग जो है यूकू बाई का ब्रदर इन लॉ नहीं है। मिस्टर यू, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो रहा हूं, पागल। अगर आप मर गए तो आपके पेंटिंग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन उसका फायदा क्या? उसका फायदा होगा आपकी वाइफ को। लेकिन क्या यह सही है कि आपके सारे पैसे उन्हें मिल जाएंगे और वो खुशी से रहेंगे, और आपका जो असिस्टेंट है जिसे आप ब्रदर इन लॉ कहते हो? क्या कहा तुमने? तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या सोच के तुमने ऐसा कहा? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता है, समझे? कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। तुम्हें अब भी मुझे कोसना है तो कोसो, कोसो ना। छोड़ो मुझे तुम। अगर तुम सक्सेस हो जाते हो, क्योंकि मिस्टर यू के पेरेंट्स नहीं है ना ही कोई बच्चा है, तो वो पैसे अपने आप मिसेस जिन को चले जाते हैं। उसके बाद तुम उसे धोखा देके अपने आप ही सबके मालिक बन जाते हैं। इन सब चीजों की प्लानिंग इसी ने की थी। सुनिए, इसने मेरा इस्तेमाल किया। ये सब बोलना बंद करिए मिसेस यू। अगर आप ये पहले से जानती थी तो ये बात अपने पति को पहले ही बता देती। मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। चुप हो जाओ। अब सुनिए। तुम अपना मुंह बंद करो। मुझे तो पहले से शक था, सिर्फ यही नहीं पता था कि ये सारा प्लान तुम्हारा है। हाँ, ये सारा प्लान मेरा था क्या? लेकिन ये सच नहीं कि तुम्हें डिप्रेशन है? मिस्टर यू को डिप्रेशन है, पर इतना भी नहीं कि उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां देनी पड़े। तुमने जानबूझ के ये दवाइयां दी ताकि उनकी जान चली जाए। मुझे कोई सपना नहीं आया था कि वो मेडिसिन कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं मिस्टर यू का असिस्टेंट हूँ, मैं तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन ही लाऊंगा ना। ठीक है, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो फिर मैंने तुम दोनों के सारे मैसेजेस रिकॉर्ड कर लिए हैं। तुम ये तुमसे ही सीखा है। तुम्हें तो ये बहुत पसंद है ना, हर मोमेंट के वीडियोस बनाना। अच्छी बात है, रिकॉर्ड कर भी लिया तो क्या हो गया? मुझे पकड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं, पर मैं ये चाहता हूं कि तुम रिजाइन दे दो, या फिर मैं इसे अपलोड कर दूंगा तो इसके बाद तुम्हारी नहीं, तुम्हें अपना रेपुटेशन प्यारा है, और इसे भी अब तुम बच नहीं सकते। सुनिए, आप सुनिए, मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? लेकिन आप लाइफ में मेरे साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया। मुझे अब डाइवोर्स चाहिए। मिसेस यू, अरे मुझे आपको मिस जिन कहना चाहिए। ये डिवोर्स पेपर्स है, इस पर सिग्नेचर कीजिए। क्यों भाई, क्या हमारे बीच में कोई प्यार नहीं है? क्यों भाई? जिंशा, अगर मैंने तुम्हें और मौका दिया तो
पता नहीं तुम मुझे फ्यूचर में कैसे मार दोगी। साइन करूंगी। गुड। वैसे एक बताना भूल गया, मिस जिन डिवोर्स के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट है, बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट। मैं सब पे बहुत डिपेंडेंट हो गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी ही है, इसलिए मैं जिन शाह का कर्जदार बन गया और उस पर भरोसा कर बैठा। कभी अपनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं किया। वो हर जगह जाकर एग्जीबिशन लगाते थे। मैं अपनी मेंटालिटी, इंस्पिरेशन और एनर्जी बड़ी मुश्किल से टॉलरेट कर पा रहा था। मुझे खुशी तो नहीं थी पर बोल भी नहीं पा रहा था, और शायद उसी वजह से आखिर में मेरे दिमाग ने मरने का प्लान बनाया। तो अब क्या करना है? अब मैंने सब कुछ बता दिया है, रिलीफ महसूस कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा है, पहले से काफी बेटर। अच्छी बात है। हाँ? अच्छा एक पूछना था, फिर से इस होटल में सुसाइड करने आओगे? ऐसा नहीं करूंगा, और मिस मॉस से माफी मांगने में हेल्प करूंगा। अगर मुझे दोबारा चेयर आने का चांस मिला तो आर्टिफैक्ट बनाने के लिए जरूर आऊंगा। चीयर्स। आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। मिस माँ तुम्हें इनाम भी दे सकती है। इनाम? वो बस मुझे जॉब से ना निकाल दे। चल बस भी कर। हाँ मेरे सामने ऐसे शो ऑफ मत कर। मैंने क्या शो ऑफ किया? तुम्हारे और मिस माँ के रिलेशन की बात है, सबको पता है कि वो पब्लिकली तुम्हें गले लगाती है। इसे तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? कुछ तो बात है ना इसमें। कुछ भी क्या बोल रहा है तुम, ना ये रूमर्स फैलाना बंद कर दो। वो मुझसे गले भी नहीं लगी है, बस वो तो उनका सर दर्द कर रहा था तो उन्होंने सहारा लिया। सहारा लेती है? हाँ। ऐसी कैसी बातें कर रहा है यार तू? हाँ? और उन्होंने मुझ पे तो सहारा नहीं लिया। मुझे नहीं जाना वो तुझे पसंद करती है, मुझे ये जाना है कि क्या तू उसे पसंद करता है। मजाक उड़ाना बंद कर। तो वो तुझे पसंद नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है, असल में मैं तो वो तुझे पसंद है। तुम मेरे दोस्त हो या नहीं, मुझे क्यों फंसा रहे हो इसमें? यही तो सच्ची दोस्ती है। और तो और 20 साल से ज्यादा हो गया है और तुझे कभी प्यार नहीं हुआ है, तू क्या करना चाहता है? पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा? मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं मानेगी? मुझे बात तो समझ में आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम लग रहा है। क्या प्रॉब्लम दिख रही है तुझे? मिस माँ एक अमीर घर की लड़की है, वो तेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है, फिर भी तू चाहता है कि वो अपना प्यार तुझे कन्फेस करे। भाई तू मर्द है कि नहीं? मेरे हिसाब से तुझे अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए। नहीं नहीं मैं उनमें से नहीं हूँ। तू क्या सबको अपने जैसे समझता है? चल। नहीं नहीं लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? उधर जाओ और अपना प्यार कन्फेस कर। उस डोर के पास बहुत लोग हैं, ऐसा करना कितना एम्बैरेसिंग होगा। कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं होगा, मिस माँ बहुत ही डोमिनेटिंग फीमेल बॉस है, क्या पता शायद उनको भी ऐसे ही आदमी पसंद हो। तुम भी तो कर सकते हो, तुम जाओ। नहीं भाई ये तेरा काम है या मेरा काम? मेरा काम है। सही कहा, अब जा। अब तुझे क्या हुआ? मुझे पहले ये तो बता कि मिस माँ से मिलके बोलना क्या है मुझे, और ऊपर से मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। वैसे तो मुझे भी नहीं पता क्या बोलना चाहिए। ये लेके जा। तुम्हारे पास दिमाग है? मुझे पता है, अब तू चल। बहुत बहाने मारता है। क्या कर रहे हो तुम? ये आपके लिए। श्यायुषी तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो?
तुमने कंपनी की प्रॉपर्टी खराब की है, समझे? आ मत करो मेरे सामने। अच्छा बताओ, ये फूल तुमने अभी वहाँ से तोड़ा है ना? नहीं, ये तो क्या नहीं, हवाई से निकला। ये तुम्हारा ही काम हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हारी आधी सैलरी डिडक्ट की जाएगी। लेकिन लेकिन मिस माँ, मेरी बात तो सुनिए। मिस माँ, अब क्या हो गया? मेरे साथ आओ, अभी सजा देती हूँ। तुम हंस रहे हो जी आयुषी? तुमने कहा था तुम एक्सपोज नहीं करोगे। मैंने जब देखा तो मुझे लगा मैंने गलत न्यूज़ पढ़ ली है। मैंने प्रॉमिस तो किया था। तो ये न्यूज़ बाहर कैसे आई? क्योंकि यांगली ने प्रॉमिस नहीं किया था। चालाक इंसान है। मिस मा, मुझे नहीं लगता इन्हें सजा देकर गलती हुई है। भले ही मैं चालाक इंसान हूँ, मैं हिपोक्रेट लोगों से तो ठीक हूँ। और ये सोचो, अगर हम इन्हें एक्सपोज नहीं करते तो यही लोग किसी और लोगों को फंसा देते, बिल्कुल उसके ही जैसा। ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। तुमने जो कहा वो बात सही तो है। सिर्फ सही नहीं, बिल्कुल सही। क्या आपको नहीं लगता? अच्छा एक बात बताओ, जो हमारी 2 महीने की बात हुई थी, उसमें मैं जीत रहा हूं कि नहीं? मुझे नहीं लगता। मिस मा, अगर आपके पास कोई और चैलेंज है तो अभी बता दो, मैं सब पार कर लूंगा। नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज जरूर है। क्या है वो? वो क्या है तुम्हें जानने के लिए कुछ ही घंटों में एचआर डिपार्टमेंट इन्फॉर्म कर देगी। एचआर डिपार्टमेंट? तुमने कहा था कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुमने एचआर डिपार्टमेंट को बोल दिया। मुझे लगा पहले मुझे रेगुलर एम्प्लॉय बनाओगी, लेकिन तुमने तो मुझे लॉबी में लाके पटक दिया। मुझे ऑफिस से उठा के यहाँ ग्राउंड लेवल पे लेके आ गई। तुमने ये भी कहा था कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा, तो मैंने तुम्हें ये काम करते हुए कभी नहीं देखा। अब मुझे एक बात कंफर्म करनी होगी कि माँ की आई मुझे बेवकूफ बना रही है या यांगली गलत एनालाइज कर रहा है। उसने बोला उसको मुझ पर क्रश है, ऐसा होता तो वो ये नहीं करती। वेलकम वेलकम। एक्सक्यूज मी, आपके ये स्लीपर्स। यू कब आए? यार मैं नहीं कर पाया, मैं घर पे पेंटिंग्स नहीं बना सकता। तो आप ये कह रहे हो कि मुझे लगता है मैं होटल में पेंटिंग्स बना सकता हूँ। मुझे फिर से शुरुआत करनी है। वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने अपीयरेंस को ठीक करेंगे? क्या मतलब है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने आप को देखिए, आपका लुक। हाँ, मैं जल्दबाजी में घर से निकला ना। मिस मा, यूकी भाई वापस आ चुके हैं और उन्होंने बोला है कि जब से उनका डिवोर्स हुआ है वो अपनी लाइफ को ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है वो फिर से सुसाइड करने आए हैं? अरे आ जाओ पहले आप। हो, तुम आ गए। हाँ? मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी इंस्पिरेशन वापस कैसे ला सकता हूँ? आर्ट एग्जीबिशन डिले हो चुका है, उसे वापस कैसे लाए? लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। सुनो, आपको क्या लगता है ये सच में मरना चाहते हैं? पर मुझे उनसे पूछना भी सही नहीं लग रहा है। तुम कुछ मत पूछो। तो आप ही पूछ लो। मिस्टर यू, मुझे लगता है कि पहले आपको शांत होना चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो मैं सोचने में मेरी मदद करनी होगी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ यार, और मैं कुछ भी पेंट नहीं कर पा रहा। कितना निकम्मा, पर कितना बेकार।
मिस्टर ह्यूम है। लगता है तो तुम्हारी ही बात सुनेंगे, तुम ही हैंडल करो। मिस मां, आप ऐसा नहीं कर सकती। वैसे मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ तो मैं इन सब चीजों में अपना दिमाग नहीं लगा सकता। तो आप चलो, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझसे बैठ कर थोड़ी बात करो। हाँ, जब भी तुमसे बात करता हूँ तो काफी अच्छा लगता है मुझे। मुझे पता है कि मैं अच्छी बातें करता हूँ, पर मुझसे यू वो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, वैसे कोई जल्दी नहीं है। आप इसे एकदम आराम से करो, एक अच्छे इंसान बन के उभरिए, ठीक है? तो पेंटिंग या पिक्चर पे फोकस करो ना। शांत हो जाओ, मुझे गलत मत समझो, ये एक आर्ट है। मैं सिर्फ तुम्हारी पिक्चर बना रहा हूँ। तुम्हारा शेप अच्छा है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ, मेरी खूबसूरती को आर्ट का नाम मत दो, मुझे फंसाओ मत, आप अपना काम कीजिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? यहाँ देखो, क्या मैं सिर्फ तुम्हारा शेप ड्रॉ कर रहा था? आउटलाइन परफेक्ट है। सही कहा, तुम मेरे मॉडल बन सकते हो। इंस्पिरेशन ऐसे ही नहीं मिलती। रुको, आगे मत बोलना, मैं कपड़े उतारता हूं। देखो उस तरह दिखता है ना, ये पिक्चर बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। शिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं रुको। क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ? वैसे तुम अच्छे लग रहे हो। फिर वही तो, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पता लगाओ, वो भी एक घंटे में। अभी जाओ। ओह नो, अब भी मेरी नाइट शिफ्ट खत्म हुई है और मुझे सच का पता चला। शिया सुनो, मैंने केस 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। ये देखो देखो, ये फोटो हमारे गॉसिप ग्रुप पे वायरल हुआ है। ये क्या है? ए शिया, आप जैसा देख सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी पेंटिंग है। ये तो बहुत अच्छी पेंटर ने बनाया है। बहुत ही सुंदर है। देखो देखो देखो। अरे वो देखिए, क्या बाल है। अरे क्या कलाकारी है। ये क्या कर रहे हो? अरे रुको, फोटोज मत खींचो, रुक जाओ, फोटोज मत लेना, रुक जाओ। अरे रुको, घर जाओ। चल रहा है, वही है। हाँ यार, चलो।
ए सुन इधर आ, तू भी तो दूसरों के साथ हंस रहा था मुझ पर। बिल्कुल नहीं भाई, वैसे तूने ध्यान नहीं दिया, तू भी एक मिथिकल क्रिएचर बन सकता है। एक रीजन बता कि मैं तुझे क्यों ना मारूं। मैं जा रहा हूं। अब देखो यूकी भाई, मैं चुपके से तुम्हारी सारी पेंटिंग जला दूंगा, तुम कभी इसे डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। कौन है? ये आप यहां पर क्या कर रहे हो? तू रो रहे हो, रो क्यों रहे हो? दोस्त, तुम्हारे इंस्पिरेशन के लिए मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। मेरी तरफ देखो, मैं रो रहा हूं क्या? इंस्पिरेशन? कैसी इंस्पिरेशन? मैंने बड़े प्यार से इस पिक्चर को पेंट किया है, तुम्हें पता है क्या? मैंने तुम्हें उस दिन सोफे पर सोते हुए देखा, तब मैंने सोचा जब भी मैं तुमसे मिलता हूं तो मैं लकी कैसे हो जाता हूं, और मुझे इतनी शांति क्यों मिल जाती है जब भी तुमसे बात करता, तो काफी अच्छा लगता है। पता है तुम मेरे गार्डियन है। चलो अच्छा मेरी बात सुनो आप। मैं सयू, मैं उस रात आपके रूम में सो रहा था, बहुत सारे ख्याल अपने दिमाग में चल रहे थे। मेरा साइन सजिटेरियस है, तुम्हारा पोस्टर भी सजिटेरियस शेप का है, तब मुझे अचानक लगा कि ये ऊपर वाले का कोई खेल है, मुझे मेरा गार्डियन एंजल मिल गया और वो तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ कर दी। तुम्हें पता है मैं इस चीज से कितना खुश हूं, तुम मेरे दिलो दिमाग में भगवान की तरह बस चुके हो। मिस्टर यू, मुझे किसी का भी भगवान बिल्कुल नहीं बनना है, मैं एक साधारण इंसान हूं। हाँ, तुम हो भगवान। आर्टिस्ट को बुरा भला मत कहना। ठीक है ठीक है, जो भी हो, मेरे इस क्रिएशन और इंस्पिरेशन का कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, ये फ्री एग्जीबिशन है, फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। देखने आते हैं तो होटल के स्टाफ मेंबर्स। क्या कुछ लोग? क्या आप एक बार चल के एग्जीबिशन हॉल में देखोगे? बहुत लोगों को ये पेंटिंग पसंद आ रही है। वो सब यहाँ हंसने के लिए आते हैं। आज मैंने सबके मुंह से पिक्चर से ज्यादा तुम्हारे बारे में बोलते हुए सुना था। मैं स्पीचलेस हूं। तो देखा जाए तो मैं सिर्फ एक लूजर के सिवा कुछ नहीं। जिन शाह को छोड़ने के बाद मेरी लाइफ मानो खराब हो गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दोस्त, आपको लाइफ खराब क्यों लग रही है? सिर्फ एक दिन में आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। अगर होटल में कुछ भी बात होगी तो वो मेरे ऊपर होगी, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं सच में चाहता हूं आप एक बार मेरे साथ चलो और देखो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्टर यू एक बार हमारे स्कूल में आए थे। देखो सामने। तुमने। उन्होंने लेसन के दौरान पैटिनीर की बहुत तारीफ की। एक नॉर्दर्न पेंटर ह्यूमन बॉडी पेंट करने में रिसर्च कर रहा है। वो वाली पेंटिंग देखो। मैंने अपने टीचर से सुना है पैटिनीर की ह्यूमन बॉडी पेंटिंग्स में ये जो सुंदर सा फिगर ड्रॉ किया है, ये सारे स्कल्पचर्स बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लग रहे हैं। ये किसी मॉडल ने तो नहीं बनाई, ये बस किसी का फिगर ही नहीं है, देखने में ये बिल्कुल रियल लग रहा है। मैंने सुना था मिस्टर यू हर साल एक पर्सनल एग्जीबिशन रखते हैं। चलो चलो अब वो वाली देखते हैं। मुझे कभी भी उसमें जाने का मौका नहीं मिला, आखिर मैंने मिस्टर यू की पेंटिंग्स देख ही ली फाइनली। बिल्कुल सही, मिस्टर यू जब हमारे स्कूल में आए थे तो उन्होंने कहा था कि आर्टिस्ट के लिए क्या जरूरी है, उसे अपना पहला इंस्पिरेशन नहीं भूलना चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और बहुत सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और साथ साथ में हम भी। आर्टिस्ट दिल से बहुत कमजोर होता है, उन्हें खुद को संभालना चाहिए। क्या हुआ?
किसी ने कंप्लेंट की है। किसके बारे में? वो आपके बारे में। क्या मेरे? हाँ, उन्होंने कहा कि आपने अच्छी सर्विस नहीं दी उनको। कौन? वो शाओजी की ने। मिस शाओ, क्या आपको मेरी सर्विस पसंद नहीं आई है जो हम लास्ट टाइम शॉपिंग करने गए थे? नहीं। अगर नहीं तो आपको और कुछ काम है या हेल्प चाहिए जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? मैंने सुना है कि तुम यहाँ की बॉस हो। अगर मैं नाराज नहीं थी तो वो मुझे तुमसे मिलने के लिए ज़रूर रोकते, है ना? समझ गई। तो आप बताएंगी आपको मुझसे क्या काम है? यंगली, तुम बाहर जाओ। मिस मा, प्लीज बैठ जाओ। ठीक है। एक मिनट। बैठिए। आप बैठिए। मिस मा, सुना है बैंक वालों ने जेआर को पैसे ना देने का डिसाइड किया है। मिस जाओ, ये इश्यू एक्चुअली इस प्रॉब्लम में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या मतलब है आपका? मेरा कहना है कि मैं मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ। रंजन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो होटल को बचाने के लिए बैंक से लोन जरूर देंगे। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मिस जाओ, ये थोड़ा सिंपल है। मीटिंग में जो बायान है वो तुम्हारे डिपार्टमेंट से है। उम्मीद करती हूँ मैरिज अरेंज करने के लिए आप हमारी मदद करेंगे। वेडिंग? हाँ, हमारी झूठी वेडिंग। मिस जाओ, क्या मैं आपसे इसका रीजन जान सकती हूँ? ऐसी रीजन की जरूरत नहीं। वैसे रीजन है कि हो सकता है आपको बैंक से मदद मिल जाए। मुझे माफ करिए मिस शाओ, हमारा होटल ऐसी कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। मिस मा, आप ध्यान से सोचिए, ये वेडिंग सिर्फ मेरे लिए छोटी वेडिंग है। आपके होटल के लिए आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, इससे फायदा हो सकता है ना? हाँ, अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार और शादी में कोई भी फायदा नहीं देखा जाना चाहिए, भले ही इसमें कितने भी पैसे क्यों ना मिले। आई एम रियली सॉरी। मिस मा, रुकिए। अगर मैं आपको कहूँ उसने मुझे वेडिंग के लिए राजी किया है, मेरे पेरेंट्स कभी भी आ सकते हैं और शादी के लिए वापस ले जा सकते हैं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मुझे कोई और पसंद है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? ये करना हमारे लिए सही है? हमारे स्टाफ को किसी गेस्ट के साथ शादी करवाना, ये बिल्कुल ही गलत है। क्या गलत है भला इसमें, अगर गेस्ट की इसमें खुशी है? पर मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ तो गलत है। अगर शियाओ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसके कोई मेल फ्रेंड्स होंगे जिनसे वो शादी कर सकती है। उनको यही रास्ता अपनाने की क्या जरूरत थी? मुझे भी लगता है कि उनका टेस्ट सही है। यहाँ बहुत सारे लोग स्माइलिंग फेस और सिल्की हेयर वाले लोग हैं, उनमें से नहीं चुना इन्होंने, उस देवदास को चुना। वही तो, और ऊपर से वेरी गुड, तुम और मैच्योर और शरीफ लग रहे हो। तुम्हारे कपड़े भी अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अब्रॉड से पढ़ाई करके आए हो। तो बताओ अब तुम कौन हो? मैंने फ्रांस से फाइनेंस में मास्टर डिग्री की है। मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं, मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ ताकि पेरेंट्स को सपोर्ट करूँ।
ताकि वो अपनी कंट्री लौट सके। वेरी गुड। चेहरे पे थोड़ी मुस्कान ला सकते हो क्या? मैं हमेशा ऐसा ही दिखता हूँ। सच में ऐसा है या तुम करना नहीं चाहते हो? घबराओ मत, जैसे ही मैं जाओ के पेरेंट्स चले जाएंगे तुम पहले जैसे फ्री हो जाओगे। मैं ये अच्छे से कर लूंगा, क्योंकि वैसे भी इस काम के लिए मुझे 6 महीने तक डबल पे मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रियलिस्टिक हो। आदमी को हमेशा रियलिटी में रहना चाहिए। ऊपर से ये जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी गेस्ट के अजीब रिक्वायरमेंट की वजह से जॉब नहीं छोड़ना चाहता। मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो ये पैसे चुन लूं या फिर ये अपनी जॉब छोड़ दूं। तो मैंने जॉब चुनना सही समझा। सही कहा, काम ही तो चाहिए सबको। कभी तो ये प्यार से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मिस्मा, आप ठीक तो? फिर से आपका सर दुख रहा है। मिस्मा का वो जरा सर दुख रहा है। हेलो रूम सर्विस, हेलो रूम सर्विस। शिया ने कहा था कि क्यूबा कुछ दिन अपने रूम में ही रहेगा टू टेक अ गुड रेस्ट। अभी वो रूम में क्यों नहीं है? मिस्टर यू, मिस्टर यू। कुछ बुरा तो नहीं हुआ उनके साथ? मुझे लगता है कि उसे पता है कि मैंने उसे जानबूझकर चूज किया है, पर वो फिर भी बहुत कोऑपरेटिव है, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसमें इतने सोचने वाली बात नहीं, उसे ये नहीं पता कि आप ये सब कर रही है। उसे बस ये लग रहा है कि इन सब के लिए मैं अनरिस्पॉन्सिबल हूँ। जाने दीजिए। मिस माँ, शुक्रिया। इतना जल्दी थैंक यू मत बोलिए। आपको सच में लगता है कि आप उसे जानती हैं? मेरा मतलब है कि अभी वो जो है। कहना क्या चाहती हूँ? मेरा मतलब है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि शादी छोड़ के भागने के पीछे उसका क्या रीजन था? बताइए। या ऐसे समझाऊं कि क्या उसे किसी और से प्यार था और उनका कोई बच्चा भी हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, उसने अपने रिज्यूमे में कुछ कहा है क्या? वो मैरिड है क्या? नहीं नहीं। फिर तो ठीक है। मिस माँ, आप सुनिए, क्या वो मान गया? इसके लिए शुक्रिया। तो यहाँ हो दोस्त, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, आखिर ये कब तक चलेगा? मैं अब भला क्या हुआ, खुद को देखो जरा। तुम बच्चे नहीं हो, मैं कितनी बार समझा चुका हूँ तुम्हें। सुनो सुनो सुनो, आखिर तुम्हें इस जिंदगी से चाहिए क्या? हाँ, जब तुम मुझे कुछ बताओगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, समझ रहे हो तुम? मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस होटल में सुसाइड मत करो। मेरी पेंटिंग्स। क्या? तुम्हारी पेंटिंग्स का क्या? ठीक है, हाँ वो बच्चे फाइन आर्ट्स के थे, उन्हें हमने बुलाया था क्योंकि सारा वक्त तुम उदास बैठे रहते थे। ऊपर से उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई, तुमने देखा नहीं वो? क्या ये अच्छा नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर मेरी एक बात सुन लो, क्या तुम कभी किसी और के लिए सोच नहीं सकते? एक बात याद रखना, ये जिंदगी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम ऐसे ही गवा नहीं सकते तुम्हारे इंस्पिरेशन के लिए, आइडियाज के लिए। सही कहा, जिंदगी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं भी वही बोलने वाला था, लेकिन तुम मुझे बोलने दोगे तब ना? तुम भी यही बोलना चाहते थे? तुम अपनी जान देने नहीं आए? नहीं, मैं बस यहाँ आया था नीले आसमान को देखने और इंस्पिरेशन ढूंढने। नहीं, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था। रुको, मैं अब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब ये अचानक तुम्हारी स्टोरी में कौन सा मोड़ आ गया?
चलो अब ठीक है, तुम नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आके बात करते हैं। मुझे इंस्पिरेशन ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन था कि मैं ट्रस्ट को इग्नोर कर रहा था, वो मेरा आर्ट खुद है। मैंने अनरियल और ऑस्टेंशंस को ज़्यादा परस्यूट किया। वो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल वैसी ही है, कोई अब्स्ट्रैक्शन नहीं, बस एक्स अग्रेशन है। क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें मैं ज़रा भी सही नहीं हूँ। इस साल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने मेरे पेंटिंग स्टाइल्स और थॉट्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया, मानो यही अच्छा था। उस दिन जब तुमने स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया तो वो लोग जो बोल रहे थे वो नहीं था जो मैं सोच रहा था। मैंने उनकी आंखों में पैशन और उस चीज के लिए जुनून देखा था। तो तुम इसके बारे में सोच रहे थे, और वो भी इतने दिनों से? बिल्कुल, सिंपल भाषा बोलूं तो मैं कुछ सालों से कम डाउन टू अर्थ बन गया और ज्यादा अकड़ने लगा था। अच्छा हुआ तुमने सब कुछ समझ लिया। तो अब मैं जाके वो सारी पेंटिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और मैं सिर्फ एग्जीबिशंस के लिए पेंटिंग्स नहीं बनाऊंगा। पहले मैं अपनी पिक्चर्स को अच्छे से खत्म करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ही मैं एग्जीबिशन रखूंगा। डेडलाइन से पहले काम खत्म करूंगा। सही कहा, बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। अभी मिशाओ, हेलो। रुको, मेरा सारा सामान यहीं रखो। मैम, मैं ऊपर रख देता हूँ ना। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो मेरा सामान ले जाएंगे? वैसे भी वेडिंग के लिए इसकी जरूरत होगी। तुमने हाँ क्यों कहा? वैसे भी मेरे पास कुछ और प्लान्स थे। मैं जानती हूँ कि तुम उससे एग्री नहीं होते। मैं रिफ्यूज क्यों करता? आखिरकार मिस जाओ मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड जो दे रही हैं, और ऊपर से कंपनी भी मुझे डबल पे कर रही है, पैसा आखिर किसको पसंद नहीं है। तो हाँ, मैंने ये पैसों के लिए किया है। तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मुझे पैसा जरूर पसंद है, पर मुझे कोई कंट्रोल करे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तोहफे इंसान को बिल्कुल अंधा बना देते हैं। थोड़े टाइम के लिए तो चला लेता, लेकिन जिंदगी भर नहीं चला पाता। बाय द वे, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे पैसे कमाने का मौका दिया। मिस जाओ, क्या आपको इससे कोई फायदा होगा? क्या आप अभी उदास हो? बहुत उदास हो, उस प्यार के लिए जो शायद कभी था भी नहीं, तो उसके लिए ये करना सही है क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है ये विष मेरे दिमाग में हो सकता है ये महसूस भी हो रहा हो, लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं। वैसे मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और सैक्रिफाइस किया है इस रिलेशन के लिए। प्यार किसी को पागल बना देता है तो किसी को तोड़ देता है। काश इस पागलपन के बाद थोड़ी शांति और खुशी मिलेगी। मिस मा, इनसे मिलिए। ये हैं शियाओ जिकी के पेरेंट्स, और ये हैं मिस मा, इस होटल के जनरल मैनेजर। हेलो, जेआर होटल में आपका स्वागत है। मैं इन्हें इनका कमरा दिखा देता हूँ। आइए इस तरफ।
आज मैं बहुत खुश थी। क्या तुम जानते हो कि हमने काफी दिनों के बाद ऐसा टाइम स्पेंड किया है? क्या तुम्हें कुछ याद भी है? मैंने ये सब पैसों के लिए किया था और ये मेरी जॉब है, इसे बिल्कुल भी गलत मत समझिए। पैसे कमाने के लिए तुम काफी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी थी, मेरे पेरेंट्स को तुम पर यकीन हो गया था। बिल्कुल, मैं अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ। गुड नाइट मिस शाओ। बायन, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे बातें घुमाने की आदत नहीं है। तुम्हें पता होगा कि हमने तुम्हें शादी के लिए क्यों सिलेक्ट किया है, शायद तुम्हें अच्छे से पता होगा। मुझे पता होने से फर्क नहीं पड़ता मिस मा, मैं तो बस एम्प्लॉई हूँ और अपनी ड्यूटी मैं पूरी शिद्दत से करना चाहता हूँ। ये सच है, तुम अच्छे एम्प्लॉई हो, पर तुम एक अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं हो। बॉस को एम्प्लॉई की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अगर बॉस को एम्प्लॉई के मॉरल कैरेक्टर से परेशानी हो तो ये हमारा डिसीजन है कि उसे रखना है या नहीं। तो मैं ये समझूं कि मुझे धमकी मिल रही है? वो तो आप ही थी जिसने मुझे बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था, और अब आप खुद ही मेरे ऊपर मॉरल पुलिसिंग कर रही हैं। अगर आप मुझे इस रीजन से फायर करेंगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पहले तुमने उसे चीट किया, तुम अंदर से बेकार इंसान हो। मैंने उसे प्यार में धोखा दिया? मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। अगर ज़ियाओ ज़िकी और मेरे पास्ट के बारे में आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा हमारा ब्रेकअप हो गया था। जैसा तुम बोल रहे हो कि तुम ज़ियाओ ज़िकी से प्यार नहीं करते, तो उसे जाके क्यों नहीं बताते कि आखिर तुमने उसे क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि तुम्हारा दिल किसी और लड़की पर आ गया था और उसके साथ अपनी फैमिली भी बनाई।互相拉扯，没有终点的乘客。